बैठ ले कुछ देर, आओ एक पथ के पथिक से, प्रिय अंत और अनंत के तम गहन जीवन घेर, मौन मधु हो जाए, भाषा मुक्ता की आड़ में, मन सरलता की बाढ़ में, जल बिंदु सब बह जाए, सरल अति स्वच्छंद जीवन प्रात के लघुपात से, उत्थान पतनाघात से रह जाए चुप निर्द्वंद। रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना बहुत अच्छी है, इसे आप पढ़ा जाना चाहिए। तीन खंड है, तो पहले खंड में जीवन पर बात है, उसी से मैं कुछ कुछ कोट करूंगा। तो बंगला के मुकाबले में हिंदी कविता उन्हें काफी पिछड़ी हुई मालूम होती थी, ये 1920 की बात है, पर केवल भाषा के दृष्टि से वो हिंदी को बंगला से श्रेष्ठ मानते थे। अब एक बहस की बात करें तो निराला क्या कहते हैं, इसके बाद बहस उच्चारण की वैज्ञानिकता को लेकर चर्चा होने लगती। मित्र कहते हिंदी का कोई अपना उच्चारण नहीं, पूरब और पछाह वाले अलग अलग ढंग से बोलते हैं, हिंदी लेखक उर्दू की खिचड़ी पकाते हैं, बंगला में जैसी परिष्कृत तत्सम शब्दावली है वैसी हिंदी में कहाँ, ये बंगला के उनके मित्र कहते थे। सूर्यकांत उत्तर देते, आप लोगों का उच्चारण आर्य ना होकर मंगोलियन है, शुद्ध अ का उच्चारण आप कर ही नहीं सकते, गोल गोल औकार जैसा बोलते हैं, वैसे ही ए को ओई और ओ को औ बना देते हैं, ऐतिहासिक औषध ये भी कोई उच्चारण है, श श स में कोई भेद ही नहीं, समाज सोंधा सावधान सोंधार संसार माने श के नाक में दम, ड और व की ध्वनि ही नहीं, तेवारी को कहेंगे तेवयारी, मेवा को कहेंगे मेवा, लक्ष्मी को लोखी, एक के को एक को, अध्ययन को उद्ययन। तो एक तरह से भाषा पे बहुत बड़ा एक डिबेट चल रहा था और निराला मानते थे कि बंगाल में श्रेष्ठ कविता लिखी जा रही है, रविन्द्रनाथ से खुद को हमेशा कंपेयर करते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदी एज ए भाषा श्रेष्ठ है, बेहतर है, और इस विश्वास के साथ वो लिखते रहे, उनकी साधना चलती रही। और इस बीच क्या हुआ, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी से जाकर मिले, रामचंद्र शुक्ल से जाकर मिले, उनकी पहली ये छायावाद के उदय का एक काल था, प्रसाद जयशंकर प्रसाद बनारस में रह के लिख रहे थे, ये कलकत्ता में रह के लिख रहे थे, इस बीच पंत इलाहाबाद में रह के लिख रहे थे, सब एक तरह की कविता के थ्रू कविता के अपने साम्राज्य का निर्माण, इस तरह का कुछ काम चल रहा था। तो इस दौरान निराला की एक और कविता है तुम और मैं, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता, तुम प्रेम और मैं शांति, तुम सुरापान घन अंधकार मैं हूं मतवाली भ्रांति, तुम दिनकर के खर किरण जाल मैं सरसिज सी मुस्कान, तुम वर्षों के बीते वियोग मैं हूं पिछली पहचान, तुम योग और मैं सिद्धि, तुम हो रागानुग निश्चल तप मैं शुचिता सरल समृद्धि, तुम मृदु मानस के भाव और मैं मनोरंजनी भाषा, तुम नंदन वन घन विटप और मैं सुख शीतल तल शाखा, तुम प्राण और मैं काया, तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म मैं मन मोहिनी माया। तो ये बहुत लंबी कविता है, ऐसे ही चलती है। तो इतना इनका भाषा वेग और ये इनका था, चल रहा था। अब ये लोग मतवाला मंडल एक कलकत्ता में शामिल शुरू किए, कुछ दोस्त लोग मिलके कविता और पूरे देश भर की कविता, और जो भी उस वक्त हिंदी का भाषा निर्माण चल रहा था, यानी एक एक पत्रिका की 20-20, 50-50 हजार प्रतियां बिकती थी, और जो डिबेट्स होते थे वो हिंदी का सेंट्रल डिबेट होता था, यानी उस वक्त एक आंदोलन के तहत भाषा निर्माण का काम चल रहा था, जिस समय निराला हिंदी भाषा में लिखना शुरू की। तो मतवाला मंडल चल रहा था, इस बीच उन्होंने कविता लिखी, उन्होंने उनकी किताब आई अनामिका, ये इनका पहला संग्रह था, छायावाद का एक बहुत पहला संग्रह माना जाता है, वन ऑफ द फर्स्ट संग्रह। तो अनामिका की कविताओं को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया, एक लेख आया भावों की भिड़ंत नाम से, जिसमें निराला की 8 कविताओं में रविंद्रनाथ की सीधी सीधी नकल दिखाई गई। तो इस वजह से निराला का बिल्कुल जो करियर एक सोच रहे थे कि साहित्य में खड़ा करेंगे, ये बिल्कुल टूट गया। निराला इससे बहुत नाराज हुए, वो जाकर एडिटर से भी मिलकर आए जिसने लेख छापा था, और बहुत मैच्योर तरीके से उन्होंने सिचुएशन को डील किया, कहा कि रविंद्रनाथ ने भी पूरा का पूरा नकल किया है, ये तो एक साहित्य के प्रोसेस के अंतर्गत है, ये मुझे बिल्कुल आप बाहर कर देते हो। इनफैक्ट निराला ने बाहर आगे चलकर 1950-60 के दशक में कविता में भी लिखा है, बाहर मैं कर दिया गया हूँ भीतर पर भर दिया गया हूँ, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी है। तो ये जो शुरुआत हुई निराला के साथ साहित्यिक आरोप प्रत्यारोप लड़ाई, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, मार काट दबाना, ये उनका जीवन भर का संघर्ष है। निराला ये जो शुरुआत हुई जब वो 22-23-24 साल के थे, ये जो शुरुआत थी ये उनके मरते दम तक उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बना। और तो
उन्होंने लिखा है जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा कवि सदा निरपराध है, मैं क्या कहूँ, वो क्या क्या करता है। फिर एक जगह कहते हैं कि काव्य क्या है, कल्पना की तुम है। बादल राग इस कविता में जो ध्वनि है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कविता की ध्वनि पर, अगर समझ में ना आए तो ध्वनि पर ध्यान दीजिए। बादल राग, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निजरों, झर 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 निर्झर गिरिसर में, घर मरु तरु मरमर सागर में, सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजय गहन कानन में, आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निजरों। यानी कविता अपनी ध्वनि से बारिश का एहसास करा रही है, तोड़ फोड़ का एहसास करा रही है। यानी इस तरह की इमेजरी को सिनेस्थेटिक इमेजरी कहा जाता है, जो शेली कीट्स की कविताओं पे हम बात करते हैं। तो यानी कविता सिर्फ विजुअल इमेज नहीं है, वो एक साउंड इमेज भी है। कविता प्रेम पे ऐसी कविता, यानी जूही की कवि अगर आप निराला की पढ़ लेंगे या संध्या सुंदरी पढ़ लेंगे, मुंह में पानी आ जाएगा, रस में लगेगा, जीव को डुबा के कविता लिखेंगे। इतनी मिठास है उन कविताओं में, ठीक है। दिवा सवान का समय, संध्या सुंदरी, ऐसी सुंदर सुंदर कविता है। बादल राग पर मजेदार एक किस्सा है। बादल राग पर किसी लेखक निर्मल ने लिखा कि ये भी रविंद्रनाथ की नकल है। तो निराला ने भगवती चरण वर्मा के हाथों उनको संदेश भेजा कि तुम्हारे लिए चमरौधा भिगो के रखा है खाना। तो इस तरह से उनका एक जो विवाद था, लड़ाई थी अपने समय के लोगों के साथ, ये शुरू हो गया था। और बिल्कुल अलग थलग रहे अपना, ठीक है, और अपने इसमें जीते रहे। लखनऊ में नारायण वाली गली में रहते थे, बीच में भूमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, आगे चलकर इलाहाबाद में भी रहे, कोलकाता से लखनऊ गए, वहां पे रामविलास शर्मा से मुलाकात थी, जिन्होंने निराला की साहित्य साधना के 3 खंड लिखे। पुराने कवियों पर अक्सर उनकी बातें होती, रात रात भर अक्सर बहसें होती। तो उस समय कालिदास की कविता पर, पंत की कविता पर, और भी जो पुराने कवि हैं, रविन्द्रनाथ की कविता पर, तुलसीदास की कविता पर, चंडीदास की कविता पर लंबी बहसें चलती। आजादी के बाद निराला का रुख बहुत बदल गया। बीच में उन्हें और भी दुख सहने पड़े। उनकी बेटी जो थी सरोज, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी जो कविता है सरोज स्मृति, बहुत लंबी कविता है और हिंदी भाषा की, हमारी संस्कृति की महानतम कविताओं में से, अपनी बेटी को याद करते हुए एक पिता के द्वारा लिखी गई कविता। लेकिन वो सिर्फ आत्मशोक नहीं है, वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए शोक नहीं, वो एक कवि, एक समाज में पिता अपनी बेटी को कैसे देख रहा है, उस समाज में जहाँ पे कवि को, एक साहित्यकार को उसे जो चाहिए, वो जो जिसके लिए मेहनत कर, लेकिन गरीबी का जीवन जी रहा है, एक कपड़े में पूरा जीवन बिता रहा है, बहुत गरीबी में जिए निराला, बहुत ही गरीबी में जिए, उसके बारे में वो सारी बातें उस कविता में निकल जाती है। तो उस कविता को आप जरूर पढ़िए। आजादी के आसपास उनकी कविता की नीति एकदम बदल गई। बिल्कुल एक कविता लिखी कुकुर मुत्ता, जिसमें कुकुर मुत्ता गुलाब को बोल रहा है कि तुम क्या हो, हम कितने काम की चीज है। एक कविता है गांधी तुम मुर्गा खाते यदि, मतलब हम लोग बाबा नागार्जुन की बात करते हैं कि व्यंग्य की शक्ति, निराला में आप व्यंग्य देखिए, और हम लोग बाबा नागार्जुन की बात करते हैं कि वो एक भिखारी और बहुत ही साधारण सा जीवन जीते थे, निराला का आप जीवन देखिए, मतलब निराला सचमुच के पढ़े अनपढ़ थे, मतलब लेकिन उनकी जो आखिरी कहानी है, निराला का आखिरी जीवन बहुत दुखद भी था। यानी एक बार महादेवी जी के घर पे इलाहाबाद में रहते थे, वहां पे आए तो महादेव रात को बहुत शोर करने लगे, महादेवी जी आई तो निराला ने कहा विवेकानंद से बात कर रहे थे, तुमने कुछ किया। कभी उनको सपना आता था कि वो शेर से लड़ रहे हैं, मतलब वो एक उस तरह के डिमेंशिया में चले गए। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी कविता समृद्ध बनी रही। उनका आखिरी कविता संग्रह बेला इत्यादि, उनमें भी आपको कविताएं लगेंगी कि ये तो मतलब कोई बहुत बड़ा जीनियस लिखा है। कविता में वो बिल्कुल नहीं टिके, लेकिन अपने जीवन के दुखों के कारण उनसे बाद में लोगों का मिलना जुलना ऐसा बहुत कम हो गया था, बहुत कम लोग उनसे मिलने का साहस कर पाते थे, ये उनका जीवन रहा। दूसरी बात, भारतेंदु के युग से लेकर निराला के कम समय तक जितने साहित्यकार हुए, उनकी मृत्यु पर जितने ओबिचोरीज और जितने बातें लिखी गई, निराला की मृत्यु पर जितना लिखा गया उससे ज़्यादा था। यानी निराला इतना पॉपुलर हो चुके थे जब तक उनका देहांत हुआ, कि मतलब हिंदी साहित्य में एक शोक फूट पड़ा, ये दिखाई दिया। तो इस वजह से भी निराला बहुत महान है।